हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बयान है, मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है। उसका टाइटल है जो कुरान में सुरा है, अल्लाह ने कुरान की सबसे बड़ी सुरा गाय के नाम पर क्यों रखी। और ये भी सोचने वाली बात है कि जो सबसे बड़े सुरा है वो आखिर गाय के नाम पर क्यों रखी, क्योंकि गाय हमें पता है कि हिंदू धर्म में एक पवित्र, उन्हें उसे गाँव माता भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसके नाम पर क्यों रखी, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और यदि हमारे चैनल पे आज आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले इस वीडियो को देखते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसका धन्यवाद। तो चलो ये वीडियो देखते हैं। सूरह बकरा, दूसरी ये सूरह है तरतीब के एतबार से। बकरा का मतलब होता है गाय, गाय, गाय के नाम से पूरी सूरह आई। अब फिर गाय का जिक्र करने में लोग डरते हैं, क्यों डरेंगे हम? कुरान की पहली दूसरी सूरह गाय के नाम से है। गाय का जिक्र आया है लेकिन वो अलग अंदाज में आया है, गाय की पूजा के एतबार से जिक्र नहीं आया है, उसको काटने के लिए आया है, काटने के एतबार से जबह हुई थी, लेकिन किस लिए? खाने के लिए नहीं। जो कुरान पाक में है वो मैं बता रहा हूं। हुआ ये था कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था। कत्ल हो गया तो लोग, उसके जो खानदान वाले थे सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। बड़ा मालदार शख्स था, पैसे वाला था, लेकिन किसी ने मर्डर कर दिया। आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि इसका कातिल ढूंढ करके बताइए, कौन मारा है मालूम नहीं। यानी उस वक्त भी लोग गैब की बातें पूछने के लिए नबियों के पास आया करते थे, कातिल कौन है ये मालूम करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ये मामला रखा कि मौला, मेरी कौम आई है मेरे पास, मैं इनको कातिल कैसे बताऊं कि जो मरा है इसको कत्ल किसने किया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया। एक बात याद रखे, अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत होती है, बंदे के समझ में आए ना आए। मुसलमान का माना भी यही होता है, सर झुका लेना, ये मत पूछो कि क्यों ये हुक्म दिया जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है। अल्लाह ने फरमाया रुकू करो, तुम ये मत पूछो ऐसा रुकू क्यों किया जाता है, उल्टा क्यों नहीं किया जाता, ये हिकमत तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब बनी इसराइल जो कौम है वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ऐ मूसा उनसे कहें कि एक गाय ज़बह करें। क्या करें? एक गाय ज़बह करें। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो वो क्या कहने लगे, अतत्तखिदुना हुजुआ, है मूसा आदमी मरा है और आप कह रहे हैं गाय ज़बह करो, हम कातिल पूछने के लिए आए और आप गाय ज़बह, गाय से कत्ल होने वाले का क्या ताल्लुक है? कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरे पास आया, आंख में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, अगर मैं उसको चप्पल दे दूं तो वो गुस्से में आ जाएगा, मैं आंख दर्द की शिकायत लेकर के आया हूं और आप मुझे चप्पल पहना रहे हैं। हाँ, ये हकीम हिकमत जानता है, ऐसा हुआ भी था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि एक शख्स आया हकीम के पास पेट दर्द लेकर के, तो हकीम उसकी आंख में इंजेक्शन करना चाह रहा था, तो कहा ये क्यों, मैं पेट के दर्द की शिकायत लाया हूं, आप आंख में इलाज कर रहे? कहा क्या खाया था? कहा जली हुई रोटी। कहा इसीलिए आंख में इंजेक्शन कर रहा हूं ताकि देख के खाया करे। तो हकीम जानता है किस काम की क्या हिकमत है। अब यहां पर आदमी मरा है, अल्लाह ने हुक्म क्या दिया, एक गाय जबा करो। लोगों को चाहिए था पूछे ना, कर देते जबा, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उन्होंने सवाल किया, ऐ मूसा क्या मजाक तो नहीं कर रहे आप? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा सुनिए, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, अल्लाह की पनाह मैं जाहिलों में से नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मजाक करने वाला जाहिल होता है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मजाक नहीं करते क्योंकि वो रुश्द हिदायत के अलम बरदार होते हैं, वो कभी मजाक नहीं करते।
अब सुनिए, जब उन्होंने ये हजरत मूसा अलैहि सलाम का जलाल सुना तो कहा ठीक है हम ज़बह कर देंगे, लेकिन ये पूछिए कैसी गाय ज़बह करें। अब उन्होंने सवाल किया, अल्लाह ने फरमाया قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون। जब उन्होंने कहा ए मूसा अल्लाह से पूछो कि कैसी गाय ज़बह करें, रब ने फरमाया ऐसी गाय जो बच्ची भी ना हो बूढ़ी भी ना हो, बिल्कुल जवान होनी चाहिए, ठीक है ज़बह कर देंगे। फिर वो ढीठ कौम थी, फिर पूछा उन्होंने ए मूसा आप पूछ लें रंग कैसा होना चाहिए गाय का। अल्लाह ने फिर हुक्म नाजिल फरमाया बकरतुन सफरा उफाकिउ लौनुहा तसुर्रुन नादिरीन, बिल्कुल पीले रंग की गाय होना चाहिए, डबडबाती रंगत की, देखने वालों को भा जाए। पीले रंग की गाय देखा है आपने? अब हुक्म आया है, जब पूछोगे ज्यादा तो हुक्म आएगा, नीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। अब हुक्म आया उस पर, उनको एक तो जवान गाय चाहिए, दूसरी अब पीली गाय ज़बह करना है। जितने सवाल करते जाओगे मुश्किल में बढ़ते जाओगे। फिर उन लोगों ने कहा ए मूसा हमको शुबा हो रहा है, जरा ये भी पूछ लीजिए वो घर वाली चाहिए या खेत वाली चाहिए। अब हुक्म आ गया बकरतुल्ला वलूलुन तुसीरुल अर्थ वला तस्किल हर्थ मुसल्लमतुल्लाशियत फीहा। अल्लाह ने फरमाया ऐसी गाय जो कभी किसी खेती में काम ना की हो और कभी किसी के यहां पली हुई भी ना हो, ऐसी गाय जलूल यानी वो काम कराई हुई गाय नहीं होना चाहिए और ना खेती बाड़ी की हुई जो हल जोतती है। तो अब ऐसी गाय लेकर क्या हो। मूसा अलैहि सलाम के पास इन्होंने तीन सवाल किए, तीन बार में और बढ़ा दिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि फज़बहुहा वमा कादु यफ़अलून, वो तो ज़बह करने वाले लिखते नहीं थे, जिसको काम नहीं करना होता वो बार बार सवाल करता है, ज्यादा पूछता वही है जिसे करना नहीं होता है। बहरहाल अब ऐसी गाय उनको ढूंढना था। अब अल्लाह की हिकमत देखे, ज़बह होने वाली गाय से कत्ल होने वाले के कातिल का कैसे पता चलेगा। अल्लाह ताला हिकमतों को ऐसे जोड़ता है, कभी किसी काम से किसी को नफा पहुंचाता है और उसी काम से किसी को जलील भी करता है। ये कौम ढूंढती रह गई कोई गाय कहां मिलेगी ऐसी, दुनिया में कोई गाय ऐसे मिले। हाँ इत्तेफाक ऐसा था कि बनी इसराइल में एक नेक शख्स था, बड़ा परहेजगार था, और उसके घर में एक छोटी सी बछिया, गाय की एक छोटी सी बछिया थी। अब उसको वो पाल रहा था और अचानक बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसे ऐसा लगा, उसका अकलौता छोटा सा बेटा था गोद में खेलने वाला, सोचा मेरे बेटे और मेरी बीवी की परवरिश का जिम्मा कौन लेगा। उसने ये सोचा कि अब मैं बीमार हूँ, मौत के करीब से करीब जा रहा हूँ, अपनी उस गाय की छोटी सी बछिया को लेकर जंगल में आया और छोड़ दिया। क्या कह करके, अल्लाह मैं ये तुझे दे रहा हूँ, ये मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, मेरा बच्चा जब जवान हो जाए तो ये गाय उसे बड़ी करके तू लौटा देना। ये तवक्कुल कैसा था लोगों का, ये यकीन कैसा था कि मेरा बच्चा गोद में खेल रहा है अभी मेरी बीवी के, जब वो जवान हो जाए तो इस गाय को बड़ा करके तू लौटा दे। अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले का सिला क्या होता है ये भी सुन लीजिए। अल्लाहु अकबर, रब्बे जुल जलाल ने उस गाय की बछिया को ऐसे परवरिश की, ऐसे परवरिश की, वो गाय जब बड़ी हुई पूरी दुनिया में वो तन्हा गाय थी जो किसी की खेती में काम नहीं की थी, किसी ने उसे पाला नहीं था, सिर्फ अल्लाह ने पाला था, खुद से चर के बड़ी हुई थी, और फिर उसका रंग भी बिल्कुल पीले कलर का था, और वो न बहुत बच्ची थी न बूढ़ी थी, बिल्कुल जवान। ये दुनिया में एक ही गाय थी। वो शख्स तो इंतकाल कर गया जिसने इस गाय को अल्लाह के हवाले किया था, इंतकाल कर गया। और फिर कई साल के बाद ये उसका बेटा जब जवान हुआ तो उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे अब्बा ने एक गाय की बछिया को जंगल में छोड़ दिया था अल्लाह के हवाले दे करके आए, और उन्होंने मुझे बताया था कि जब बेटा जवान हो जाए तो इसे जंगल में फलां जगह भेजना और अल्लाह से वो गाय वापस मांग लेना, उसे मिल जाएगी। कितना यकीन था उन लोगों को, अहलुल्लाह यही होते हैं,
जब बेटा जवान हुआ तो माँ ने कहा बेटा जा जंगल में। ये जवान लड़का जंगल में आया, अपने सालेह बाप, नेक बाप का ये वारिस था, अल्लाह को यूं निदा देने लगा, ऐ रब्बे करीम, मेरे बाप ने तेरी बारगाह में एक छोटी सी बछिया छोड़ी थी और तेरे हवाले करके वो दुनिया से चला गया था, अगर वो गाय अब जवान हो चुकी है तो मुझे लौटा दे। वो अभी हाथ उठा ही रहा था कि वो बिल्कुल फरबा, सेहतमंद, तंदुरुस्त गाय उसके सामने आ गई। कितने सालों के बाद रब्बे जुल जलाल ने हू बहू उसी तरह उस गाय को लौटाया। वो कादिर मुतलक है, इन्नहु अला रजईही लकादिर, अल्लाह फरमाता बेशक वो लौटाने पर कादिर है, कुदरत रखता है। बंदे को यकीन होना चाहिए। आज खैरात देकर के भी लोगों को शक होता है, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्लाह के हुजूर देकर के देखो, इस तरह से इन्वेस्ट इसमें भी करो। रब्बे जुल जलाल, मैं तुझ पर यकीन करते हुए ये चीज तेरे हवाले कर रहा हूं, जब मेरे घर में फाका आ जाए तो तू मुझे ये लौटा दे, देखना फिर मौला लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, यकीनन लौटाएगा, कुरान का हुक्म है, झूठ नहीं हो सकता। वो गाय मिल गई, वो नौजवान लड़का गाय को लेकर के अपनी माँ के पास आया, कहा बेटा फाके चल रहे हैं, घर में जा बाजार में बेच आ, लेकिन बेचने से पहले जब सौदा तय हो जाए तो मुझको जरूर बताना। बेटा भी फरमा बरदार था, बाप जब नेक होता है तो औलाद को कैसा सिला मिलता है, औलाद पर भी इसकी तासीर आती है। बाजार में माँ से पूछ करके गया कि कितनी कीमत लगाऊं, माँ ने कहा 6 दिरहम में बेच देना। 6 दिरहम में शायद उनका महीना भर गुजारा हो सकता था। 6 दिरहम उसने कीमत लगाई बाजार। 2 हसीन नौजवान आए, उन्होंने कहा गाय बड़ी अच्छी है, कितने में बेचोगे? इस नौजवान ने कहा 6 दिरहम में। भावताव होता है ना, तो सामने वालों ने कहा हम 12 में खरीदेंगे, दोगे? ग्राहक कम में पूछता है कि ज्यादा में? कम में पूछता है, लेकिन इस नौजवान बच्चे से डबल में पूछ रहे हैं खरीदार। कोई ऐसा होता जो लालच भरी हो, जल्दी से उसे पकड़ा करके 6 अपने रख लेता, 6 माँ को दे देता, लेकिन उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं पहले अपनी माँ से पूछ के आऊंगा। माँ ने 6 दिरहम में बेचने के लिए कहा था, अब तुम 12 दिरहम लगा रहे हो, मैं पहले बार पूछ करके आऊंगा। आया और कहा माँ मैं तो 6 में बेचने के लिए निकाला हूं गाय को, लेकिन खरीदार 12 में पूछ रहे। माँ ने कहा चलो ठीक है, अब 12 में उसकी कीमत लगा दो। गया बाजार में, 12 12 की कीमत जब लगाया उसकी, तो फिर 2 नौजवान उसके पास आए, कहा गाय बड़ी अच्छी है, क्या हमें ये 24 में दे दोगे? डबल कर दिया उन्होंने। उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं पहले अपनी माँ से पूछ करके आऊंगा और उसके बाद फिर बेचूंगा। माँ के पास फिर आया और कहा अजीब हाल है माँ, मैं 12 में बेचना चाहता हूँ लेकिन खरीदार 24 में पूछ रहा है। माँ ने कहा बेटा वो आम खरीदार नहीं है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता है, इस बार आए तो उसे पकड़ लेना और पूछ लेना इस गाय की मैं क्या कीमत लगाऊं, आप ही बता दे। ये अहलुल्लाह थे, अल्लाह वाले लोग, वो जानते थे। इस बार जब ये नौजवान बाजार में आया तो फिर वो खरीदार आए, नौजवान इंसानी शक्ल में, तो इस नौजवान बच्चे ने उनको पकड़ लिया और कहा मेरी माँ ने बताया है कि अब आप ही इसकी कीमत बता दें। उन्होंने कहा ए बंदे हम अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, इस गाय की कीमत 6 दिरहम 12 दिरहम नहीं, तो अभी इंतजार कर, एक कौम आएगी इस गाय को ढूंढते ढूंढते, उनकी सख्त जरूरत है इस गाय की, उनकी सख्त जरूरत है इस गाय की, तो कीमत क्या लगाऊं? उन्होंने कहा कीमत में तुम कहना इस गाय की खाल छील करके इसकी खाल में जितना सोना और चांदी भर जाए वो इसकी कीमत है। तो उस नौजवान ने कहा इतनी कीमत देंगे? वो कहां देंगे, जरूर देंगे। वो गायब हो गए। ये नौजवान बाजार में था, वो बनी इसराइल जिन्होंने पूछ पूछ करके ऐसी गाय बना ली थी, पीली चाहिए और खेती बाड़ी की हुई चाहिए कि नहीं चाहिए, अब जब आए पूरी दुनिया की छान मार कर एक गाय उन्हें नजर आई, कहा बिल्कुल वही गाय है जिसका जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और उनके रब ने हुक्म दिया है। जल्दी से आकर के उन्होंने पूछा के बच्चे गाय कितने की है?
तो संभल करके उसने रेट बताया कि गाय तुम सबको खरीदना जरूरी है। कहा हाँ, हम यहां से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक तू बेचेगा नहीं। कहा मेरे गाय की कीमत यह है कि इसकी खाल भर कर सोना और चांदी आ जाए। जाहिर सी बात है, दुनिया में एक ही गाय थी, उसकी कीमत भी तो होनी चाहिए। तो वो मुंह बसोर करके रह गए। कहा अरे भाई, इतना भी तो ज्यादा ना करो। जाहिर सी बात है, अब अल्लाह का हुक्म था, एक तरफ एक सालेह घर को अल्लाह नफा पहुंचा रहा है और एक जिद्दी कौम को जलील भी कर रहा है उसी एक चीज के जरिए से। तो अब वो लोग बड़े मिन्नत समाजत के बाद फिर तैयार हो ही गए। वो लड़का देने को तैयार नहीं था। आखिर वो सब पूरा माल जमा किए। कौन सा माल जानते हैं? जो कत्ल हो चुका था बेचारा, बड़ा मालदार आदमी था, उसका कातिल मालूम करना था कौन है कातिल, तो उसी का पूरा माल जमा कर दिया गया। जिसका मर्डर हुआ है उसका पूरा माल जमा किए, तो वो गाय की खाल भर करके हो गया सोना चांदी। अब जमा करके उसको दिया गया, उस बच्चे ने दे दिया, ले जाओ गाय। अब गाय का करना क्या था? इतनी महंगी गाय, बहुत महंगी गाय थी। अब हुक्म देखे अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया फकुल नद्रिबुहु बिबादिहा। अल्लाह फरमाता हमने कहा, अब तफसीर में है कि गाय को जबा करो, जबा करो पहले उसको, जबा करो। और अल्लाह फरमाता वमा कादु यफअलून, जबा करने वाले लग नहीं रहे थे। पाला हुआ बकरा जल्दी कोई कुर्बानी में जबा नहीं कर पाता, बहुत खर्चा किया हूं। ये तो सोना चांदी दे करके लाए हुए थे, दिल बसोर रहा होगा, जबा कर दिया। अब हुक्म आया रब ताला का कि इसकी पूंछ लेकर, इसकी दुम लेकर वो मरे हुए आदमी के ऊपर मारो। अब वो मरे हुए आदमी को इन्होंने उसकी पूंछ लेकर के मारा, वो जिंदा हो गया। जिसका कत्ल हुआ था वो जिंदा हो गया, वो उठा और उठ करके बोला कि मुझे मेरे चचेरे भाई ने कत्ल किया और मेरा माल लेने के लिए उसने ऐसा किया, अकेले में मुझे कत्ल कर दिया। अब हुक्म था जिसने जिसको कत्ल किया किसास है, जान के बदले जान। तो सारी कौम तैयार हो गई, मूसा अलैहि सलाम के पास आए, कहा जिस भाई ने उसको कत्ल किया था माल हड़पने के लिए उसको भी लाया गया और कत्ल कर दिया गया किसास, और माल ऑलरेडी गाय को दे दिया गया था, बचा कुछ भी नहीं था बनी इसराइल के पास। अब यहां पर कुछ चीजें हिकमतें समझने की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये हुक्म फरमाया, हो सकता है लोगों के जहन में आए जिंदा ही गाय की पूंछ लेके मार देते तो, नहीं उनसे जबा करवाया गया। बहुत महंगी गाय है, जब किसी महंगी चीज को जबा करोगे तो कोई जिंदा चीज भी तुम्हें नजर आएगी। अपने दिल के अंदर जो गुबार है इसको जब जबा करोगे तो अल्लाह के मुशाहिदात देखने को मिलेंगे। और ये सब चीजें अपने अंदर बाकी रख करके तुम चाहोगे कि कुदरत के अजायबात देखो, नहीं मिलेंगे। अब सूफिया इकराम फरमाते हैं इससे दर्स ये हासिल करना चाहिए कि एक महंगी गाय अल्लाह ने जबह करवाया किसके लिए? एक कातिल मालूम करने के लिए। कैसे ये मरा है, इसका कातिल कौन है, ये मालूम करने के लिए बहुत महंगी गाय जबह करवाया। सूफिया इकराम फरमाते हैं, ए बंदे अगर तू भी ये देखना चाहे कौन तुझे आज जलील किया है, कौन तुझे आज गुमराह कर रहा है, कौन है वो जो तुझे गुनाहों पर ले जा रहा है, कौन है जो तेरे दिल को मुर्दा किया हुआ है, उसको जानना है तो फिर तुम अपने लिए जो बहुत कुछ महंगे गुनाह जमा करके रखे हो इनको जबा करो, तुम्हारा कातिल खुद मालूम पड़ जाएगा। तुम्हें कौन गुमराह कर रहा है वो इबलीस लाइन सामने नजर आएगा, लेकिन पहले अपनी ख्वाहिशात को कत्ल करना होगा। तो ये जो गाय का जिक्र आया है जिसका की जिसके जबह करने के बाद कातिल का पता चला, इसलिए इस सूरे का नाम क्या हुआ है? सूरे बकरा, गाय वाली सूरे है। वाह, ये वीडियो काफी मतलब इंफॉर्मेटिव था जो मुफ्ती सलमान नजरीन जी ने ऐसा बताया। और हमें लगा था कि जो सूरा बकरा है उसी के नाम पर रखा है सूरा का नाम। हमने सूरा बकरा सुना है, उस पर रिएक्शन शायद नहीं किया,
और हमें लगा था कि सुरा बकरा के बकरा का कुछ ऐसा कुर्बानी वाला होगा, क्योंकि मुसलमान लोग जो है वो कुर्बानी देते हैं बकरे की, उसी के बारे में नाम पड़ा होगा। और यही हमें लगता है कि जो अरबी में इसे कहते होंगे बकरा, इसलिए वो नाम आया है सुरा के नाम पर। तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। हम इनके और भी जो वीडियो रिएक्शन के लिए होते हैं उनके वीडियो पर रिएक्शन करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। हमारी रिएक्शन कैसे लगी ये भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो सच में बहुत ही अच्छा वीडियो था, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।